बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसो यानी सेम, कोरिक वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम रिमेंस कॉन्स्टेंट, इसमें वॉल्यूम सेम रहता है, यानी चेंज ऑफ वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो होगा। वॉल्यूम कब बढ़ता है? या तो पिस्टन आउटवर्ड मूव करे या पिस्टन इनवर्ड मूव करे। तो इनवर्ट करेगा तो वॉल्यूम कम होगा, और आउटवर्ड करेगा तो एक्सपेंशन होगा और वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन होगी कि हम पिस्टन को फिक्स रखेंगे, बाउंड्रीज को फिक्स रखेंगे, मूव ना करे। मूव नहीं करेगा तो वॉल्यूम सेम रहेगा। फॉर दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेंस कॉन्स्टेंट। फॉर दिस प्रोसेस वर्किंग फ्लूड इज कंटेन इन अ रिजिड वेसल, एक ठोस जो है हमारे पास वेसल होती है उसमें हम वर्किंग फ्लूड को रखते हैं। बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम आर इनफ्लेक्सिबल, वहाँ पे कंडीशन क्या थी आइसोबेरिक और आइसोथर्मल में कि बाउंड्रीज आर फ्लेक्सिबल, यहाँ पे इनफ्लेक्सिबल, अनमूवेबल, एंड नो वर्क कैन बी डन ऑन और बाय द सिस्टम, यानी वर्क डन नहीं हो सकता क्योंकि बाउंड्रीज फिक्स हैं, वॉल्यूम चेंज ऑफ वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो है। वर्क डन की इक्वेशन क्या होती है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम ही अगर हमारा अगर ज़ीरो है तो वर्क भी ज़ीरो हो जाएगा। ये इक्वेशन थी नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन, उसमें W ज़ीरो हो गया तो ये इक्वेशन बन गई जोल पर केजी, क्योंकि दोनों U जो हैं इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी यूज़ की हुई है, स्मॉल है। और टोटल मास M से मल्टीप्लाई करा दिया इक्वेशन को तो हमारे पास हो गया कैपिटल U, और यूनिट में हमारे पास जोल आ गया। ऑल हीट सप्लाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस गोज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। आइसोथर्मल में क्या था, हीट सप्लाई करते थे तो एक्सपेंशन होता था क्योंकि वहाँ पे फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज थी, पिस्टन मूव कर सकता था। यहाँ पे पिस्टन फिक्स है, बाउंड्रीज फिक्स हैं, मूव नहीं कर सकता, इनफ्लेक्सिबल बाउंड्री है। तो यहाँ क्या होगा, हीट जब हम प्रोवाइड करेंगे तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी हमारी हीट सप्लाई करने की वजह से। फॉर परफेक्ट गैस एम सी वी टी टू माइनस टी वन, आइसोबेरिक में यहाँ पे सी पी था, यहाँ पे आइसोकोरिक में सी वी आ गया, सिर्फ यही फर्क। अब ये हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम वाले एक्सिस पे जो है मूव नहीं करेगी ये लाइन, ये सिर्फ प्रेशर वाले एक्सिस पे मूव करेगी, वन से टू, पी वन पी टू। और इसकी इक्वेशन जो होती है वी इज इक्वल टू सी आइसोकोरिक की।